नमस्कार, मैं हूं एकता। प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। खबर उत्तराखंड से है। किशोर उपाध्याय का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। उत्तराखंड कांग्रेस के दिग्गज नेता किशोर उपाध्याय का धामपुर पहुंचने पर कांग्रेस नेताओं ने जोरदार स्वागत किया। कांग्रेस नेता किशोर उपाध्याय ने आज अपनी बात रखते हुए बताया। उपाध्याय ने कहा, आज अपनी दुर्दशा के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। अपने जंगलों पर जो पुश्तैनी हक हुकूक और अधिकार थे, वह हमने खुद छोड़ दिए। हमने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। अपने बाल बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जागी और वन अधिकार आंदोलन को सक्रिय समर्थन दीजिए। केंद्र सरकार की सेवाओं में आरक्षण दिया जाए। परिवार के एक सदस्य को पक्की नौकरी दी जाए। प्रतिमा एक गैस सिलेंडर बिजली पानी निःशुल्क दिया जाए। जड़ी बूटियों पर स्थानीय समुदाय का अधिकार हो। शिक्षा में स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क हो। एक यूनिट आवास बनाने हेतु लकड़ी बजरी व पत्थर निःशुल्क दिया जाए। जंगली जानवरों द्वारा जनहानि होने पर 2,50,000 रुपए क्षतिपूर्ति के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। जंगली जानवरों द्वारा फसल के नुकसान पर प्रति नाली 1,000 रुपए क्षतिपूर्ति दी जाए। राज्य में अविलंब चकबंदी की जाए। बिजनौर से दिनेश कुमार प्रजापति, धामपुर जनपद। आज धामपुर नगर की ओर भ्रमण किया है, क्या संदेश देना चाहते हैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं को? नहीं, मेरा ये 9-10 दिन का कुमाऊं का दौरा है, जिसमें हमारे जो फॉरेस्ट राइट्स हैं, वनाधिकार हैं, उसके बारे में मैं लोगों को अपने साथियों के साथ विचार विमर्श करने जा रहा हूँ। और हमारे वैश्वर रहमान साहब जो हैं, हमारे पुराने साथी हैं, यहाँ कांग्रेस को मजबूती देने में लगे हैं। इसलिए मैंने आपसे आग्रह किया था कि मैं 5-7 मिनट आपके साथ बैठूंगा। हमारे कुछ पत्रकार साथी होंगे तो उनके साथ भी, नगर अध्यक्ष भी हैं, उनके साथ बातचीत करूंगा। तो इसलिए मैं आज यहाँ पर आया था। और मुझे ये लगता है कि हमको एक भाई की तरह, हम आभारी हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने हमको हमेशा सिर माथे पर रखा। पहले मुख्यमंत्री से लेकर के आज भी जो मुख्यमंत्री हैं, वो उत्तराखंड उनकी जन्मभूमि है, तो हम उसके लिए बहुत आभारी हैं उत्तर प्रदेश के। और ये जो को एग्जिस्टेंस की जो भावना है, बड़े भाई और छोटे भाई, बड़ा भाई हमेशा छोटे भाई को संरक्षण देता है। तो मैं उत्तर प्रदेश से ये निवेदन करना चाहता हूँ सभी साथियों से कि आप बड़े भाई की तरह जो है हमें संरक्षण देने का काम करें, कांग्रेस को मजबूत करें और दोबारा जो कांग्रेस का अतीत में जो एक गौरव रहा है वो उसको पुनः स्थापित कर सकें।